हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे रिक्वायर मॉडल और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग असान फिशिंग। तो गाइस, फाइनली जो ये मॉन्स्टर फिश टैंक है आप देख पा रहे हो, तो मॉन्स्टर फिश टैंक इसलिए क्योंकि इसका जो साइज है वो मॉन्स्टर है और अंदर मॉन्स्टर फिश तो रखे नहीं है, बट स्टिल जो सिकल्स वगैरह वो भी कहीं ना कहीं मॉन्स्टर फिश में तो काउंट हो ही जाएगा बड़े होने के बाद। तो गाइस, जो ये फिश टैंक है तैयार हो चुका है। बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है इंटीरियर को चेंज मत कीजिए, मतलब ये अंदर का जो भी है, तो मैंने वही नजर रखते हुए आपका और मेरा सोचते हुए मैंने जो है इंटीरियर ज्यादा चेंज नहीं किया इस फिश टैंक का, और इस तरीके से मैंने कुछ सेटअप किया हुआ है। तो चलिए आइए दिखाता हूँ कि क्या 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 है मैंने, और होपफुली आपको ये सेटअप अच्छा लगे। तो गाइज, ये है फर्स्ट डे जिस दिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इतने बड़े टैंक को शुरू करना ही बहुत डर लगता है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से जो है मैं इस टैंक को बिल्कुल अलग नहीं कर रहा हूँ और चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऑडियंसेस मुझे बोल रहे हैं कि ऐसे ही रखो। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने सोचा थोड़ा कंबाइन करते चीज़ों को, मतलब चीज़ें हटाएंगे नहीं, बस थोड़े बहुत पॉट्स हटा देंगे एंड जो हमारा ड्रिफ्ट वुड है उसको यहाँ पर रख देंगे, वो बहुत काफ़ी बड़ा सा है, एंड देन स्टोन्स रखेंगे, हाइडिंग प्लेसेस रखेंगे एंड सिक्लिट का यहाँ पर पूरा कलेक्शन वैसे भी करना है। साथ ही मैं ऑस्कर्स रखने का सोच रहा था, लेकिन इतने सारे ऑडियंसेस ने मुझे बोला है कि आप इस सेटअप को चेंज ना करो, तो ऑब्वियसली मैं उनको हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कंबाइन कर रहा हूं ताकि आपकी और मेरी दोनों का मिलके हम यहां पे हम जो है चेंजेस करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। पहले तो निकालता हूं पानी, फिर बताता हूं आपको मैं क्या कर रहा हूं। तो गाइस, पानी ऑलमोस्ट 30% निकल चुका है, अभी और भी पानी निकालना है, तो यहां तक निकाल देंगे। और मैंने काफी ज्यादा ग्रेवल क्लीन किया है, बट स्टिल काफी गंदा है, प्रॉब्लम नहीं है। इस फिल्टर को मैंने नीचे रख दिया था ताकि जो है सारा निकल जाए गंदगी एंड जो भी है वो यहां से सक कर ले, बट अभी इस फिल्टर को निकालना है, इसका मीडिया क्लीन करना है एंड देन इस फिल्टर को निकालना है एंड देन स्पंज फिल्टर सबको निकालना होगा। तो अभी काफ़ी गंदगी हो चुका है और मैंने यहाँ से पीछे वाले सारे जो है निकाल दिए हैं, और ये निकालूंगा एंड वो रहने दूंगा, ये भी निकालूंगा, ये दो निकालूंगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट आ जाएगा जो ये आप देख पा रहे हो बहुत बड़ा सा, एंड देखते हैं क्या क्या आएगा। एंड गाइज, वन ऑफ दी ऑल्सो रीजन जिससे मैं ये सेटअप चेंज नहीं करना चाहता हूँ, एक तो ये हाइड्रिला का ग्रोथ, इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से हाइड्रिला यहाँ पे हुआ है, उसने अपने आप को इतना अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है इतने सारे स्टेम्स निकले हैं, तो इसको मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता था, और देखो क्या ग्रोथ हुई है। तो ये हाइड्रिला फुल ऑक्सीजन दे रहा है, इसके वजह से जो हमारी फिश इतने हेल्थी है और कलर्स भी बहुत बढ़िया आए हुए हैं। तो गाइज, ये सिकलेट्स आप देख रहे हो, इसमें 4 या 5 सिकलेट्स हैं जो मैं न्यू कूचबिहार से लेकर आया था। तो गाइज, इनको मैंने ऑलरेडी एक्लिमेटाइज कर दिया, इसके पहले मैंने इनको बकेट में रखे, इसी पानी से जो है इनको मैंने 2-3 दिन ट्रीट किया एंड अभी मैं इनको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और पानी कम है अभी छोड़ना है मुझे इनको। एंड गाइज, मैं बैचेस में छोड़ रहा हूँ, लाइक अभी इनको छोड़ रहा हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद एक और सिकलेट को छोड़ूंगा, फिर दूसरे को, उसके बाद दूसरे ग्रुप्स को, एक साथ मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि ये अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए और एक दूसरे को हर्ट भी ना करें। अभी इस टैंक में हाइडिंग प्लेसेस है बट मुझे एक बिग स्टोन चाहिए, तो चलते हैं बाहर और देखते हैं। Hey guys, तो मैं बाहर आ चुका हूं एंड स्टोन्स की तलाश में हूं, मतलब कि बाहर का नेचुरल स्टोन एंड बाहर एंड दूर में आप देख पा रहे हो एक माउंटेन है, तो वहां तक अगर पहुंच पाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पता नहीं देखते रास्ते में कुछ मिलता है तो। और ये देखो नेचर कितना प्यारा लग रहा है। बाय द वे, सैटरडे को मैं जा रहा हूं एक गांव में और वहां फिशिंग करने के लिए जा रहा हूं, तो ये अपडेट दे रहा हूं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, सैटरडे को जाने वाला हूं एंड सैटरडे को मैं वीडियो रिलीज करूंगा। तो यहां धूप काफी है लेकिन नेचर के वजह से ना हमें ये धूप एहसास नहीं होता, ये फील नहीं हो पाता, तो ये यहाँ का एक ब्यूटी है। तो गाइस, बैक टू हमारा एक्वेरियम, और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 2 और सिकलेट्स हैं, और ये फायर माउथ सिकलेट्स मैं छोड़ा एंड स्टोन मैंने कलेक्ट किया हुआ है, स्टोन आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो गाइस, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इनको एक्लिमेटाइज करके अभी ये बैच जा रहा है, ये दूसरा दिन है, तो पहले दिन में हमने इनको डाला हुआ था, ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं, देखिए ये सिकलेट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, सब एडजस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, अभी ये दूसरे दिन में हम ये फायर माउथ डालने वाले हैं एंड फिर डालेंगे 3rd ग्रुप। तो गाइज, ये है ग्रुप नंबर 3 एंड ऑल्सो डे नंबर 3। तो गाइज, ये दोनों फिश थोड़ा एग्रेसिव थे जिसके वजह से मैंने इनको अलग अलग बकेट में रखा था, और अभी मैंने इनको अच्छी तरीके से जो इस पानी में ट्रीट करके लाइक 2 दिन के बाद अभी मैं इनको 3rd डे छोड़ रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो बाकी फिश आप देख ही पा रहे हो कि जिनको मैंने सब छोड़ दिया है 2 दिन तक हो चुके हैं, यहाँ पे फायर माउथ देखिए पीछे वो दिख रहा है आपको, एंड देन इनको भी अब यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। साथ ही में हमने सारे बैचेस को छोड़ दिए, उसी हिसाब से अभी मैं इनको क्लीन भी कर लूँगा, मतलब कि आप देख पा रहे हो अंदर बहुत गंदगी हुआ है, तो इस ग्लास को पहले तो मुझे अच्छे से क्लीन करना होगा एंड फिल्टर्स को मैंने निकाल दिया, देखिए वॉश भी कर लिया मैंने टॉप फिल्टर, इतनी गंदगी इसमें से निकला है एंड कम से कम 1 मंथ के बाद मैं वॉश कर रहा हूँ, और ये आप देख पा रहे हो वो टैंक का ही पानी है, उससे मैंने वॉश कर लिया है। तो यहाँ से जो है मैंने ये फिल्टर निकाल लिया है और इसको मैं साइड में रखने वाला हूं। ये हमारे पास ओबो का इंटरनल फिल्टर है जिसमें 4 स्लॉट्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस, इसने काफी अच्छा काम किया, इसकी फंक्शनिंग काफी बढ़िया लगी मुझे। तो गाइस, मैं दिखाता हूं आपको, इसमें से इतनी गंदगी निकली है ना क्या बताऊं मैं, तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था साफ करने में। देखो नीचे ये सब देख पा रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी इसमें से निकला है, इसका मतलब इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया। इसको मैंने ऊपर रखा था, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखा था, तो चलो मैंने इसको पूरा वॉश कर लिया, बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया, पानी देखो ना
एकदम से गंदा हो चुका है, इसको मैं प्लांट में डालने वाला हूँ पानी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो गाइज ये भी हो चुका है, इसको भी फिट कर लेते हैं और इसको भी जो है मैं अलग जगह पे मतलब अलग एक कॉर्नर पे लगाने वाला हूँ। एंड गाइज इस वाले पोजीशन पे जो है हमारा एक ड्रिप फ्रूट आएगा, ये ड्रिप फ्रूट जो फ्री में मैंने कलेक्ट किया था, आप लोग ने अगर मेरे वीडियोस देखे प्रीवियसली तो आप लोग को पता रहेगा, और ये पॉट्स मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो गाइस पीछे वाला स्टोन दिख रहा है आपको बड़ा सा, बाद में दिखाऊंगा क्लोजली, उसको मैंने डाल दिया हुआ है एंड साथ ही में ड्रिफ्ट वुड भी मैंने डाल दिया है। तो गाइस पानी डालना बाकी है, पानी अभी गंदा दिख रहा है आपको राइट, तो मैं पूरा काम कर लेता हूँ फिर आपको ये फुल एक्वेरियम सेटअप करके मैं दिखाता हूँ एंड साथ ही मैं आपको फिल्टर्स दिखा देता हूँ। तो फिल्टर्स जो है पूरी तरीके से रेडी है, तो इन फिल्टर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट सेटअप के साथ फिश और सब कुछ आपको इन डिटेल में दिखाता हूँ। तो गाइस मैं आपको कहाँ से दिखाऊँ, तो मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है एंड मैं सोचा कि ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स रखूँ लाइव प्लांट्स, तो इस तरीके से हैंग हो सकता है या आगे की और हैंग हो सकता है। एंड अभी आपको एक्वेरियम दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। एंड देन ये पूरा जगह मैंने स्पेस खाली रखा है क्योंकि इनके अगर हम कभी टर्टल खरीदे तो हम उनका घर यहाँ बना सके, तो वो इस तरीके से चढ़ के जो यहाँ पे उसको स्पेस मिले काफी ज्यादा घर बना सकते हैं ना टर्टल के लिए। एंड ये ग्लास आप देख रहे हो 12 mm का ग्लास है, तो कुछ भी करे आप यहाँ पे टूटने वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके चलते ही मैंने यहाँ पे कोई कवरिंग दिया हुआ नहीं है एंड अभी यहाँ पे एक ट्यूब लगा के रखा हुआ है एंड मैं सोचा कि कलरफुल लाइट लेने के लिए ताकि मैं यहाँ लगा पाऊँ एंड देन इसका कलर भी चेंज कर पाऊँ। अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ये सेटअप। तो ये देखिए सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आएगा, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि चेंज मत करना, लेकिन यस एक ड्रिफ्टवुड आया हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है और इसको मैंने इस तरीके से पत्थर से जो है यहाँ पे मैंने इसको फिट करके रखा हुआ है ताकि इनको हाइडिंग प्लेसेस भी मिले। इन सिक्लिस को देखिए क्या ग्लेज कर रहे ना ये, तो देखो गाइस कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस इस ड्रिफ्टवुड को मैंने इन रॉक्स से जो है फिक्स करके रखा हुआ है ताकि इनको हाइडिंग प्लेसेस मिले बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ सिक्लिट्स एग्रेसिव दिख रहे थे लेकिन अभी बिल्कुल नहीं, अभी इनको ज्यादा स्पेस मिल गया तो बिल्कुल खुश है और साइज आप देख पा रहे हो काफी ज्यादा जो है इनका साइज बढ़िया हुआ है। एंड ये वाले देखो ना क्या जबरदस्त लग रहा है। ओके तो ये ड्रिफ्ट वुड को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, यहाँ पे मैं सोचा कि एनुवियास या फिर तो मैं जावा मॉस लगाऊंगा, मतलब इसमें जब ये पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा नीचे और जब ये हिलेगा नहीं फ्लोट नहीं करेगा तब मैं वो प्लांट्स लगाने का सोच रहा हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड उस पॉट को मैंने इसलिए नहीं हटा क्योंकि बार बार छुप रहा है, इसके वजह से वो पॉट इतना ज्यादा यूजफुल हुआ है ना इस टैंक में, इसके वजह से मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। एंड आप वो देख पा रहे हो रोटाला बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, इसके लिए मैं उस पॉट को हटाया नहीं। साथ ही में ये तो आपको पता ही है ये चार चांद लगा रहा है मेरे इस टैंक को, क्योंकि इसका जो आप हाइड्रिला का ग्रोथ देखिए यार, मुझे अभी भी याद है जब मैंने इसको रिवर्स से कलेक्ट किया था तो इसका ग्रोथ इतना ही था, मतलब इसकी हाइट इतनी थी, अब ये फैल कर पूरे जो है एक्वेरियम में फैल चुका है। ये देखिए कैसे कैसे गया है, देख के ही मजा आ जाता है, मतलब पूरा ग्रीन 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 और हाइड्रिला इतना प्यारा लगता है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है क्योंकि पूरी तरीके से ऐसे ऐसे है ना, तो मतलब फिश को भी यहाँ पे घूम के मजा आता होगा, हाइडिंग प्लेसेस भी तो काफी मिलते होंगे, तो इसके वजह से जो है हाइड्रिला को चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं था, तो इसको मैंने चेंज नहीं किया। एंड गाइज इतना अच्छा हुआ अभी एक्चुअली, क्योंकि गाइज छोटे फिश अगर आप रखोगे, जैसे कि आपने इन फिश को रखा, ये आप फिश की ग्रोथ देख पा रहे हो, इतने बड़े हो चुके हैं मेरे सेवरडेनियो सारे के सारे, ठीक है, तो ये ऊपर में रहेंगे एंड हमारे जो सिक्लिट्स के कलेक्शन रहेंगे वो नीचे रहेंगे, तो आप सोचिए मतलब कि दो लेयर्स में है। एंड अगर हमें मिडिल लेयर के जो फिश है वो लाना है तो वो हम मिडिल लेयर के लिए भी ला सकते हैं, तो फिर टॉप एंड बॉटम में तो एकदम से आप देखो सिक्लिट के कलेक्शन। एंड अभी इसमें गौरमीस भी जाने वाला है, जी हाँ दोस्तों, तो गौरमीस को भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनको मैं यहाँ पे डालने वाला थोड़े टाइम के बाद, साथ ही मैं यहाँ पे एनुवियास एंड हमारी ये जो जावा मॉस है ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, क्योंकि लाइट मुझे अभी जो है चेंज करना, थोड़ा सा पावरफुल लाइट लाना है, इसकी वजह से जो ग्रोथ इनकी थोड़ी सी जो है मतलब ठीक है, वैसे भी इनका ग्रोथ थोड़ा कम ही होता है। एंड ये फिल्टर को मैंने कॉर्नर पर लगा हुआ है, जो हमारा ये इंटरनल फिल्टर है कॉर्नर में फिल्टरेशन कर रहा है, पीछे हमारा स्पंज फिल्टर है जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड यहाँ पे हमारा टॉप फिल्टर है। गाइस दोनों ही जो फिल्टर्स है बिल्कुल हाई एंड वाले हैं, ये टॉप फिल्टर में 3880F है कुछ, ठीक है काफी बड़ा फिल्टर है ये। एंड गाइस ये हमारा इंटरनल फिल्टर भी काफी ज्यादा बड़ा है एंड इसका मॉडल आई थिंक 1504 कुछ मॉडल है, काफी बड़ा है ये भी। एंड जो स्पंज फिल्टर देख रहे हो वो भी काफी बड़ा वाला लगा है, बहुत ही बड़ा वाला मैंने लगाया हुआ है ताकि फिल्ट्रेशन अच्छा हो पाए, पर इन सब के अलावा सम्प फिल्टर होगा या फिर तो गाइस आपका कैनिस्टर फिल्टर्स हो गए वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट इट्स फाइन, तीन तीन फिल्टर लगा के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ये ग्रेवल तो मैं साफ करता ही रहता हूँ। तो अभी गाइस मैं खाना देने वाला हूँ, फिलहाल तो मैं इनको टेट्राबाइट से खिला रहा हूँ और उससे मुझे काफी ज्यादा जो है बढ़िया रिजल्ट मिला है, पर अभी मैं खाना चेंज करने वाला हूँ एंड मैं कुछ और खाना दूंगा क्योंकि इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली बताओ कौन सा खाना मैं चेंज कर रहा हूँ, तो अभी ये आपको देखकर दिखाता हूँ। जो देखे तुम छप्पट पड़े हैं एंड हमारे सिक्लिट्स भी जो है ऊपर बिल्कुल जा रहे हैं खाने के लिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस पूरा खाना जो इन लोगों ने सेकेंड्स में खत्म कर दिया है। तो गाइस मैं गौरमीस को कल डाल के दिखा दूंगा, गाइस मैं एकदम थक चुका हूँ बहुत सारी, मतलब उनको अभी फिर से एक्लिमेट करो फिर डालो, कल पक्का दिखा दूंगा डालकर। एंड गाइस इस वीडियो के बाद आपको शॉर्ट्स में डेफिनेटली मिल जाएंगे, मैं जो गौरमीस से जो मैं रिवर से कलेक्ट किया था वो सब आपको शॉर्ट्स में मिलेगा पक्का, ठीक है।
गाइस ये है वो स्टोन जिसके बारे में आपको बोल रहा था। तो ये देखो इस स्टोन को मैंने पीछे रख दिया है ताकि आप इनको बढ़िया जो है हाइडिंग प्लेस मिले, पीछे जाकर छुप सके अगर कोई भी किसी को डिस्टर्ब करता है। तो ये स्टोन काफ़ी बढ़िया है और ये ब्राउन कलर का स्टोन है तो इसको मैंने इसके पीछे रखा हुआ है। तो गाइस अभी मैं कुछ क्लोज शॉट्स लेने की कोशिश करूंगा फिश की, आप देखना उनको ठीक है एंड कमेंट करना। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये सर्व अच्छा लगा है और कमेंट जरूर करना, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स की। बाय, टेक केयर।